हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने। तो आज मैं कुछ नया बताऊंगी आपको, कि बताऊंगी क्या, सिखाऊंगी आपको। तो गाइस, मैंने ये लहंगा ऑनलाइन मंगाया है, ये देखिए आप, बहुत अच्छा लहंगा आया है। तो आज मैं इस लहंगे की फिटिंग करना और इसमें कैन कैन कैसे लगाई जाती है ये बताऊंगी आपको। तो ये जो मैंने लहंगा मंगाया है, ये मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। तो प्राइस नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं। तो अब हम इसमें महंगी लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ कमर से इसको फिट करूंगी, क्योंकि मुझे कमर से ये बहुत लूज है, तो कम से कम मुझे इतना फिट करना पड़ेगा। और इसकी लेंथ देखिए आप, बहुत अच्छी है। और इसमें जरी वर्क हुआ है, एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत अच्छी है। और इसका जो घेरा है वो भी बहुत अच्छा है। इसका जो एक घेरा है ये भी बहुत अच्छा है, पर मुझे और फुलावट चाहिए, मतलब ये फुला फुला लगे, ये इकट्ठा ना हो चलते वक्त। ऐसे तो बहुत अच्छा है देखने में भी, पर मैं इसमें अब क्या करूँगी, पहले तो मैं इसकी कमर फिट करूँगी, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये जो कपड़ा दिख रहा है यहाँ पे मैंने कैन कैन लगाऊंगी इसमें। और कैन कैन दोस्तों ऐसे लगानी पड़ेगी कि ये जो कपड़ा है ऊपर वाला, इससे बाहर ना आए कैन कैन, मतलब इसी के अंदर है, इसी कपड़े के अंदर दिखे ना। और मैं बताती हूँ कि कैन कैन कैसी होती है। ये है दोस्तों कैन कैन, देखिए आप, तो ये जाली में भी होती है और ये हार्ड होती है। और मैंने ये लगभग ली है 1 मीटर, क्योंकि मेरा जो लहंगा है इसमें ज़्यादा घेरा नहीं है, तो 1 मीटर में मेरा काम हो जाएगा। मैं अब इसकी क्या करूँगी, चौड़ाई में कटिंग कर लूँगी। आप अपने हिसाब से अपने लहंगे में जितनी भी कैन कैन अटैच करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं उसकी चौड़ाई, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए, मैं थोड़ा कम करूँगी। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह मैं लगाऊंगी। तो मैं इसकी क्या करूंगी, बराबर पट्टियां बना लूंगी पहले, फिर उन पट्टियों को ज्वाइंट कर लूंगी। और ये जो मुझे कैन कैन पड़ी है 1 मीटर बाजार से, तो ये पड़ी है मुझे 120 रुपए की, 1 मीटर कैन कैन, वो भी मनाली में, बहुत महंगा है यहाँ पे। तो इसको लगाने से क्या होगा, जब मैं इसमें कपड़े में अटैच करूंगी इसको, तो इसके जो लहंगे की जो लुक है वो बहुत अच्छी आने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कैन कैन अटैच करते हैं और फाइनल लुक कैसी आएगी लहंगे की। तो बने रहिए वीडियो में, जो शुरू करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम कमर की जो ये साइड से मैंने सिलाई की है, देखिए साइड वाली यहाँ से सिलाई हुई है, तो इस सिलाई को सबसे पहले हमें निकाल लेंगे, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने लहंगे को उल्टा कर लिया है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ कमर से इसकी सिलाई को निकाल रही हूँ। तो मैंने इतनी सिलाई निकाल दी है, सारी सिलाई निकालनी पड़ेगी नीचे तक। तो मैंने सिलाई को निकाल लिया है, ज्वाइंट सिलाई थी जो लहंगे की, दोनों साइड से ये अलग कर लिया मैंने। अब लहंगा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ये है इसकी, अब कमर की बारी। अब मैं क्या करूँगी, इस कमर को, ये जो पट्टी दिख रही है पूरी आपको, इसको निकालना पड़ेगा, अलग कर लूँगी पहले। तो मैंने थोड़ा सा इस पट्टी को खोल लिया है, तो अब इस तरह से ये जो दूसरी लाइन है सिलाई की, इसको भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी और इस पट्टी को अलग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को अलग कर लिया है लहंगे से, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अब ये लहंगा। तो अब ये जो पट्टी है, जितना आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है, जितनी भी आपको चाहिए। तो मुझे इतनी पट्टी मेरे पास बढ़ रही है, तो मुझे इतनी तैयार चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 2 इंच पट्टी, जितना मेरा मेजरमेंट है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा मिल लूँगी, क्योंकि फोल्ड भी करना है कपड़ा, ठीक है? तो आप उस हिसाब से अपनी कमर के हिसाब से कर लीजिएगा।
दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मैं आज कमर फिट करना लहंगे की बताऊंगी और साथ में कैन कैन भी बताऊंगी आपको लगाना, पर इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है। तो मैं इस बार आपको वीडियो में सिर्फ कमर दिखाऊंगी कि कमर की फिटिंग कैसे करें, और अगला जो पार्ट मैं बनाऊंगी इसका वो अलग वीडियो में डालूंगी जो कैन कैन वाला पार्ट है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो अपने कमर के हिसाब से मैंने बेल्ट तैयार कर ली है और ये कपड़ा मैंने साइड कर दिया है थोड़ा सा, और मेजरमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है 2 इंच, जितनी आपकी कमर होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है इसमें। तो ये क्योंकि ये फोल्ड भी होना है यहाँ से, तो जो आपका मेजरमेंट है कमर का तो वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये जो लहंगे की अब ये सिलाई है ये भी मुझे निकालनी पड़ेगी, अंदर वाला जो कपड़ा है इसको भी मैं अलग कर लेती हूँ। और आपको यहाँ पे प्लेटें दिख रही है अंदर की साइड को, तो इन प्लेटों से मैं क्या करूँगी आधा आधा इंच के ऊपर सिलाई मार लूँगी, ठीक है, लगा लूँगी। तो ये सिलाई मैं नीचे तक लगाऊँगी, यहाँ तक ताकि लगे ना कि हमने फिटिंग किया है। सेम जैसे शॉप में मिलते हैं लहंगा रेडीमेड वैसा ही लहंगे की इसकी लुक भी बन के आएगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये आधे इंच की सिलाई कर ली है, आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी दूर में। तो आपको जितना भी टाइट करना है हर प्लेट में आप ऐसे ऐसे सिलाई आधे आधे इंच की कर लेना और यहाँ पर मिला लेना है कि उसी सिलाई में। तो अब मैं यहाँ पर भी सिलाई करूँगी और उसको भी ऐसे ही मिला। दोस्तों मैंने सिलाई कर ली है हर प्लेट पे, आधे आधे इंच की सिलाई दे दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई को यहाँ पे मिलाया है, इसमें नहीं की है सिलाई क्योंकि मैंने कम ही इसको चुनटें डालनी थी तो इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक एक चुनट छोड़ के हर तीसरी चुनट में हाफ हाफ इंच का मार्जिन ले कर उसमें सिलाई लगा लिए है। तो दोस्तों मैंने इस कपड़े को अब इसके साथ अटैच करना है। अब मैंने हाफ हाफ इंच का जो मार्जिन लेके जो प्लेट्स डाली है, अब हम इसको ऐसे दूसरे कपड़े के साथ जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसके साथ सिलाई कर देंगे, ऐसे सिलाई कर देनी है सारे कपड़े में। इन प्लेटों को रखना पड़ेगा ऐसे सीधा करके, ये प्लेट इसे को करनी है अगले साइड को। अब तो दोस्तों अब मैंने ये कर ली है सिलाई और ये कपड़ा भी ज्वाइंट कर लिया है साथ में। अब मैंने क्या करना है, जो बेल्ट का कपड़ा था उसको ऐसे सीधे रखना है, जो प्लेन साइड है वो जो लहंगे की उल्टी साइड है उस साइड में इसको ज्वाइंट करूँगी। फिर ज्वाइंट करके इसको मैं इधर से फोल्ड कर दूँगी, पहले इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे ये वाली लहंगे की साइड उल्टी होगी और ये बेल्ट की साइड सी। तो दोस्तों मैंने यहाँ तक ज्वाइंट कर लिए है बेल्ट को लहंगे के साथ यहाँ तक, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है अब ये। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले कपड़े को ऊपर वाले साइड यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। दोस्तों अब मैंने इस बेल्ट को इसके ऊपर जोड़ना शुरू कर दिया है, तो ऐसे रखेंगे हम। इस बेल्ट को ऐसे ही जोड़ लेंगे हम, ये देखिए ये उल्टी साइड अंदर को फोल्ड करनी है और ये बाहर वाली साइड इधर ऐसे अटैच कर लूँगी मैं, इसके ऊपर सिलाई मार लूँगी। सारी बेल्ट को ऐसे ही जोड़ लेंगे हम आगे तक। तो दोस्तों मैंने कमर तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ, कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि कहां से ज्वाइंट किया है, इधर से भी और रही है अंदर की साइड। अब इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगी, हो गया तो हमारी कमर टाइट हो गई। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं और कैन कैन लगाने की वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगी अलग से, ये वाली वीडियो लंबी हो गई है। तब तक के लिए बाय बाय।